नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी पिंटू जायसवाल के साथ। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। मैं आपको बताऊं, विधानसभा अध्यक्ष का पद रीवा के खाते में आया है। रीवा के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरीश गौतम को नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपको गिरीश गौतम के बारे में बताऊं, 28 मई 1953 को गिरीश गौतम का जन्म करौंदी मनगवा में हुआ था। गिरीश गौतम की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। टीआरएस कॉलेज से एलएलबी करने के बाद आप राजनीति में आ गए। मुखर नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी से आपने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। धीरे धीरे आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गिरीश गौतम पहली बार चर्चा में तब आए थे जब मनगवा के विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को आपने 28,000 से ज़्यादा मतों से हराया था। उसके बाद मनगवा की सीट आरक्षित हो गई। आप मनगवा से लगी हुई ठीक बगल की सीट देवतालाब में चले गए। वहाँ से आप लगातार 3 बार से विधायक हैं। 4थी बार आप विधानसभा में हैं। रीवा जिले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने प्यार दिया था, सम्मान दिया था, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई थी। उसके बाद रीवा के लोग लगातार दबाव डाल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी रीवा को भी, जिस तरीके से रीवा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास समर्थन दिया है, उसी तरीके से पार्टी भी अपना विश्वास समर्थन दे और विधानसभा अध्यक्ष का पद रीवा के खाते में जाए। अंततः विधानसभा अध्यक्ष का पद गिरीश गौतम के खाते में चला गया है। गिरीश गौतम जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के शपथ भी ले लेंगे। फिलहाल उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल कराते समय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल भी उनके साथ मौजूद थे।